नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट डेली में। दोस्तों रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 से दोस्तों एक और जोन का ज्वाइनिंग लेटर आया दोस्तों, और इस बार भी ITI कैंडिडेट का है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हर अपडेट की जानकारी के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस बार उत्तर पूर्व रेलवे कार्यालय बिजनौर का यहाँ पे है, और 23 दिसंबर को ही इनका ज्वाइनिंग लेटर आया दोस्तों। और कुछ प्राइवेसी के कारण इनका रोल नंबर वो मैं एडिट कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं, प्रातः नाम देख लीजिए, इनका बसंत कुमार शर्मा है, और इनका तहसील झुंझुनवाड़ा इनका एड्रेस है, और ये बीकानेर मतलब RRB अजमेर इसको बोल सकते हैं दोस्तों। और विषय क्या है, रोजगार सूचना संविदा 01/2018 के तहत कोटि 155 पद नाम टेक्नीशियन Grade 3 जो कि वेल्डर है दोस्तों यहाँ पे, और Level 2 की यहाँ पे ये मेंशन है दोस्तों Level 2। देख सकते हैं RRB अजमेर का संदर्भ में देखिए दोस्तों, क्या RRB अजमेर का रेलवे भर्ती यहाँ पे दिनांक देख लीजिए दोस्तों, 24/10 से यहाँ पे, और वह 13/12/2019 महाप्रबंधन है दोस्तों यहाँ पे। फिर विषय प्रिय अभ्यर्थी, मुझे यह बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि रेल भर्ती बोर्ड अजमेर के माध्यम से आपका टेक्नीशियन Grade 3 वेल्डर कारखाना 2 वर्ष तथा नियुक्ति हेतु आपको बीकानेर कार्यालय में आवंटित किया गया। इनका जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ बीकानेर में मिला है, और अतः आपको बीकानेर कार्यालय पर टेक्नीशियन Grade 3 Welder 2 नियुक्ति हेतु प्राप्ति किया जा रहा है। यदि प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक है तो कार्यालय में इस प्रस्ताव के प्रत्याह होने के 10 दिन के अंदर निम्नलिखित दस्तावेज इनको मतलब जब से मिला है उनको ये कुछ डॉक्यूमेंट है दोस्तों, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है इनको लेके जाना है, उपस्थित होना है कार्यालय में अजमेर में बीकानेर में। आगे देख लेते हैं दोस्तों इनका, और दो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पे आपको अटेस्टन वेरिफिकेशन फॉर्म है दोस्तों, फिर यहाँ पे IFSC बैंक कार्ड, और यहाँ पे सनरेल अनुसार आप शपथ पत्र, 100 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको ही करवाना है दोस्तों, और ये सब है दोस्तों। आप नियुक्ति पत्र में तो देख सकते हैं दोस्तों, ये 7 यहाँ पे इनका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि लेके जाना है। तो दोस्तों ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट, और इनके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी है, तो पैन कार्ड, आधार कार्ड। तो ये थी दोस्तों छोटी सी अपडेट। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।